हेलो गाइस नमस्कार, मैं प्रिंस यादव स्वागत करता हूं आपका इस BR43 प्रिंस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्कॉर्पियो कार के ऊपर जो रूफ एंटीना लगा हुआ होता है अगर वो टूट जाता है तो हमारे गाड़ी का लुक जो है बहुत ही ख़राब लगने लगता है। तो मैं यहां पे इस वीडियो में उसी ख़राब एंटीना को रिप्लेस करके एक नया FM रूफ एंटीना इंस्टॉल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आप इसमें से एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके गाड़ी में जो है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। आप ये काम किसी कार एसेसरीज वाले के पास भी करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मोटा खर्चा देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी भी खर्चा को मोटा खर्चा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से काम होगा उसके हिसाब से ₹1000 मोटा खर्चा लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एंटीने के प्राइस का बात करें तो जो छोटा वाला एंटीना होता है ₹130 से लेकर के ₹200 के बीच में आ रहा था, और जो बड़ा वाला एंटीना था वो ₹300 से लेकर के ₹500 के बीच में आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना का मार्जिन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे खुद से ही रिप्लेस कर लूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए अगर आपका यहाँ पे पुराना टूटा हुआ एडियर लगा हुआ है तो आपको इसे रिमूव करना है। आप इसे ऊपर से रिमूव करने का कितना भी कोशिश करिए, यहाँ से रिमूव होने वाला नहीं है। यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह लगा हुआ है, आप उसे रिमूव भी कर लेंगे फिर भी ओपन नहीं होगा। फिर अगर आपको लग रहा होगा यहाँ पे चिपका हुआ है तो ऐसा भी नहीं है, ये आपका आपके कार के अंदर से ओपन होने वाला है। तो चलिए कार के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहां से ओपन होगा कार के अंदर से। तो यहां पे जो आपका सन ग्लास होल्डर होता है आपको इसे ओपन करना होगा। यहां से ओपन करेंगे, इसमें अगर आपका कोई सामान रखा हुआ है तो आप उसे पहले रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां पे दो पेंच आपको यहां पे लगा हुआ मिल जाएगा। एक यहां पे आपको ये पेंच दिखेगा और आपको यहां पे एक ये पेंच दिखेगा। आपको इस दोनों पेंच को जो है पहले ओपन करना होगा। इसे ओपन करने के लिए आप उचित औजार का सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इस 3 इंच से इसे ओपन करने वाला हूँ। चलिए मैं आपसे इस नट को ओपन करने के बाद फिर से मिलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका 2 बोल्ट था मैंने इसे ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके अंदर में बोल्ट लगा हुआ था इसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपको इसे हल्के हाथ से जो है ऐसे नीचे की ओर खींच लेना है, ये जो आपका है इजीली निकल जाएगा। निकल जाने के बाद आपको यहाँ पे ये FM का जो वायर है यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको एक स्क्रू लगा हुआ मिलेगा। आपको पहले इस स्क्रू को ओपन करना है पेंचकस की मदद से। चलिए आपसे मैं इस स्क्रू को निकाल लेने के बाद मिलता हूँ। तो यहाँ पे उस स्क्रू को ओपन कर लेने के बाद जो यहाँ पे आपका FM का वायर है आपको इस वायर को रिमूव कर लेना है। इस वायर को रिमूव करेंगे जो यहाँ पे है आपका एडियर उसका पॉइंट इस तरीके से शो होने लग जाएगा आपको। तो यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे दबा करके यहाँ पे दो लोग आपको देखने को मिल जाएगा छोटा सा, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लॉक को पुश करते हुए आपको इसे जो है ऊपर की ओर धकेल देना है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे इस लॉक को पुश करके ऊपर प्रेस करने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे जो पेचकस है इसका जो मुंह है लॉक के अंदर डाल करके इस लॉक को यहाँ से तोड़ सकते हैं इस तरीके से। चूँकि ये एंटीना जो है अपना बर्बादी हो चुका है तो इसका लॉक हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं। इसके बाद जब आपका लॉक दोनों साइड का टूट जाए तो यहाँ पर आप इसे ईजिली ऊपर प्रेस कर देंगे तो जो आपका एडियर है ऊपर वहाँ पे निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो होल है डिस्प्ले होने लग गया है। चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, जो एडियर है वो निकल चुका होगा। जो एडियर है टूटा हुआ ये यहाँ से निकल चुका है। इसके बाद आप इस लॉक को भी यहाँ से उखाड़ लेंगे तो यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा और होल दिख रहा है तो उसके नीचे एडियर के नीचे जो ये प्लेट लगा होता है इसके अंदर में एक लॉक बना हुआ है। यही लॉक इसके अंदर में इस तरीके से रहता है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसे रिमूव कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, उसके बाद जो दूसरा एरियर उसे फिट करना है। तो चलिए मैं आपसे क्लीन कर लेने और दूसरा एरियर यहाँ पे ले आने के बाद आपसे मिलता हूँ। उससे पहले मैं आपको इस एरियर के शेप एंड साइज को दिखा देने वाला हूँ ताकि आपको इसे रिमूव करने में थोड़ा भी परेशानी ना आए। यहाँ पर देख सकते हैं जो एक लॉक था इसका यहाँ पर था एंड दूसरा लॉक था यहाँ पर प्रेस करने वाला। ये प्रेस करना आसान नहीं था तो इसलिए मैंने इसका जो लॉक है पेचकस का मुंह डालने के बाद इसे तोड़ दिया। ये प्लास्टिक का ही इजीली टूट जाता है, आपने पहले देख ही लिया था ये कितना आसानी से ऊपर आ गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये जो आपको छोटा छोटा दाग वगैरह यहाँ पे दिख रहा है ये मैंने इससे पहले इस एरियर को फेविक्विक लेके चिपकाया था, उसी का दाग यहाँ पे बन गया है। उसके बाद भी जब ये नहीं रहा दोबारा से टूट गया तो मैंने इसे ऊपर से ही ओपन करने का प्रयास किया, जिसमें यहाँ पे छोटे छोटे डेंट्स आप देख सकते हैं आ चुका है। मैंने इसे ठोक कर निकालने का प्रयास किया था, ये नहीं निकला था। और क्लीन करते टाइम आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको ऊपर में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देंगे तो जान ही रहे आपका पानी नीचे गिरेगा गाड़ी के अंदर में। आप किसी कपड़ा को भिंगा लें एंड उसके बाद आप इसके जो कचरा है उसे साफ़ कर लें अच्छी तरीके से, और जब आपका यहाँ पे सूख जाए तो आप यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल से इसे साफ़ कर दें ताकि अगर इससे कोई और कचरा होगा तो जो नया एरियर हम चिपकाने वाले हैं उसे चिपकने में कोई परेशानी ना हो।
हल्का सा पेट्रोल आप कोई कपड़ा के अंदर भिंगा लें, इस पर इस तरीके से जैसे पोछते हैं वैसे ही पोछ दें। अगर आपको इस एरियर को चिपकाने में या फिर इसे क्लीन करने में कोई समस्या हो रही है तो आप इजीली इसके छत के ऊपर बैठ सकते हो। भाई स्कॉर्पियो है इतना तो भारी है, जरूर थम सकता है, तो आप इसके ऊपर बैठ जाएं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। अब जो भी एरियर आप चिपकाने वाले हैं उसे लेकर के छत पर आप चढ़ जाएँ। अगर आपको दिक्कत हो रहा है नीचे से चिपकाने में, तो मैंने यहाँ पर एरियर को ले लिया है, ये हमारा छोटा वाला एरियर है। मैं छोटा वाला एरियर इसलिए चिपका रहा हूँ ताकि जब भी मैं गाड़ी को ढकता हूँ कवर से, तो बड़ा वाला एरियर जो है वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गाड़ी पे कवर को चढ़ाने में और गाड़ी पे से कवर उतारने में ही मेरा जो एरियर है वो टूट चुका है, और बिना एरियर का जो लुक है गाड़ी का थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है, इसीलिए मैं फिर से इसमें छोटा वाला एरियर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैपिंग किया हुआ है, तो हमें इस टैपिंग को उखाड़ लेना है। टैपिंग उखाड़ने से पहले एक बार हमें सेंटर मिला के देख लेना इस तरीके से, इसको कहीं बैठने वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर पूरे सेंटर में मैं इसे बैठा के देख लिया हूँ। अब जो इसका टैप है मैं इसे उखाड़ के चिपकाने वाला हूँ यहीं पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा एरियर था मैंने उसे चिपका दिया है टैप पर का कवर निकाल करके, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये चिपक गया है। तो आपको थोड़ा सा इसे प्रेस वगैरह कर देना है चारों साइड से, ताकि कहीं भी अगर नहीं बैठा होगा टैपिंग तो सही तरीके से बैठ जाए और अच्छे से आपके गाड़ी पर चिपक जाए। बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करना है चारों साइड से हल्का दबा के। इसका जो चारों साइड का बॉर्डर है ये वाला, इसको आपको ज़रूर ध्यान से बैठा देना है। अगर आपको हल्का भी बॉर्डर उठा हुआ रहता है, सही से नहीं चिपकता है, तो यहाँ पे आपको वाटर लीकेज का टेंशन रह सकता है। अगर थोड़ा सा भी वाटर इसके अंदर गया तो ये जो आपका एरियर है बिल्कुल पूरी तरीके से उखड़ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे इसका खास ध्यान रखें, आप सही से चारों साइड के कोर को ज़रूर दबा के बैठाएं, दो बार तीन बार आप दबाएं चारों साइड से कोर को बैठाने के लिए। अब जो एरियर है मेरा पूरे सही तरीके से चिपक गया है। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और जो ग्लास होल्डर वगैरह हमने खोला था उसे लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बिल्कुल जो है एरियर चिपक चुका है। जो यहाँ पे होल आपको दिख रहा था ये होल पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ये बिल्कुल ही मस्त और अच्छे तरीके से चिपक गया है। यहाँ जो ये वायर है एफएम का, इसे हम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि एफएम तो कोई आजकल गाड़ी में सुनता नहीं है, सभी ब्लूटूथ से या फिर जो है पेन ड्राइव वगैरह से अपना सॉन्ग सुनते हैं जब भी सुनने का मन होता है। अगर आप एफएम के शौकीन हैं फिर तो आप बड़ा वाला एंटीना ही लगाइए, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने छोटा वाला लगा दिया। तो फिलहाल जिस तरीके से ग्लास होल्डर वगैरह को खोले थे उसी तरीके से यहाँ पर रखना है पहले ग्लास होल्डर को। ये जो आप लॉक है इस लॉक को आपको इसके अंदर घुसाना है पहले। यहाँ पे लॉक को घुसा लेने के बाद आपको हल्का हल्का चारों साइड से प्रेस करना है, आपको कट कट का आवाज़ सुनाई देगा, फिर जो आपका ग्लास होल्डर है बिल्कुल ही सही तरीके से बैठ जाएगा। और जहाँ से आपने इस पेंच को खोला था इस पेंच को फिर से आप वहीं पर टाइट कर दें। तो गाइस जब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी नट वोल्ट वगैरह था मैंने सबको लगा दिया है। अब अपना काम यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब आप जो भी सामान वगैरह इसमें रखते थे आप यहाँ पर रख सकते हैं, फिर आप इसको लॉक कर दीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।